नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट नप गए। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पटना एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, ये निलंबित किए गए हैं और ये एक्शन लिए हैं स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कल रात औचक निरीक्षण किया था अस्पताल का, डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए, डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक्शन में तेजस्वी यादव आ गए हैं। वो लगातार इस तरीके की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो कशिश न्यूज सबसे पहले इस वीडियो को दिखाने का काम किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई कमियां पाई थी और इशारा भी किया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना महागठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं। और इसी की वानगी है कि उन्होंने एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को निलंबित कर दिया है। जी हाँ, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर गंदगी, दवाओं की कमी और बहुत सारी कमियां देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव बीते कल ही रात को अचानक एनएमसीएच पहुंच गए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड का औचक निरीक्षण किया, सभी वार्डों में जाकर के मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहाँ है नाइट ड्यूटी वाली नर्स, कहीं दिख नहीं रही हैं। कहाँ हैं यहाँ के मेडिकल ऑफिसर, कहाँ हैं डॉक्टर। सभी जगहों पर बारीकी से जांच पड़ताल किया, मरीजों की बात सुनी और जब निकलने लगे तो मीडिया वालों से बातें भी कही। हम लोगों की बैठक हुई है डेंगू के लेकर के, और फिर अचानक से हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं, जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए जानने के लिए कि क्या स्थिति है। तो सारी चीज़ों को हम लोग जनता के लिए हैं और जनता ने, अब भाई बात कर रहे हैं ना, आपका सारा बात हम सुन लिए, एक ही बतवा अलग अलग बात लोग नहीं ना बोलेगा, एक ही प्रॉब्लम है। तो जो समस्या है, जब तक आप ज़मीन पर नहीं उतरिएगा तब तक ज़मीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आ करके चीज़ों का जायज़ा लिया जाए। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी कमियां देखने को मिली है, हम अभी छोड़ने वालों में से नहीं है, मैं जा रहा हूं, अधिकारियों के साथ बैठूंगा और जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनको नापा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तेजस्वी यादव की बात थी एनएमसीएच में, और आज एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उन्होंने निलंबित कर दिया है। जी हाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है विनोद कुमार सिंह। मैं नाम बता देता हूँ आपको, विनोद कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद एनएमसीएच का रवैया सुधरता है या नहीं, क्योंकि बिहार में डेंगू काफी फैलने लगा है, जगह जगह डेंगू फैलने लगा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री का यह एक्शन, अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर अन्य अस्पतालों पर क्या कुछ पड़ता है। इस तरीके की तमाम खबर के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये इस प्रकार की खबर आप तक पहुंच पाए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।